अयोध्या में 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की कवायद में डीजीपी ओपी सिंह व मुख्य सचिव आरके तिवारी ने संत महंतों के साथ अयोध्या शोध संस्थान में बैठक किया। बैठक में दीपोत्सव को कैसे वृहद किया जाए, दीपोत्सव में किस तरह से भव्यता आए, इसके लिए संतों के साथ विचार साझा किया। संतों ने अयोध्या की सफाई से लेकर सुरक्षा विषय पर अपनी अपनी बात रखी। संत समाज की दीपोत्सव में भागीदारीता निश्चित हो, इसलिए हर मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। बैठक खत्म होने के बाद संतों ने कहा कि इस बार की अपेक्षा अगली बार की दीपोत्सव और भव्य होगी, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम लला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजेंगे। संत समाज मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है, और राम जी के जन्मभूमि पर जो दिवाली मनेगी वह ऐतिहासिक होगी, और राम जी के यहाँ जो भव्य मंदिर का निर्माण होना है, अब राम जी के टेंट में रहने का समय पूरा होने वाला है, इस खुशी में हम लोग इस साल और ज्यादा उत्साह से दिवाली मनाएंगे। जय श्री राम। जय। तभी से राम मंदिर के निर्माण का स्वप्न लेकर के हम लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, और यह दीपोत्सव आगे रामलला के पास से ही दीपोत्सव मनाने की तैयारी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में आने जा रहा है, हम लोगों को पूर्ण उम्मीद है। हम लोग साधुवाद देते हैं कि श्री रंजन साहब की कलम यह सिद्ध करे कि रामलला की जन्मभूमि वहीं है। जय श्री राम।